हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो अप टू डेट आप तक पहुंचते रहे। सो आज का हमारा टॉपिक है राम स्टैचू यानी कि राम मंदिर, जो कि बहुत दिनों से विवादों में है। अभी तक कोर्ट में है, राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा इसको लेकर बहुत सा चर्चा है। और फाइनली यूपी गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दे दिया है और ये डिक्लेयर कर दिया है कि राम स्टैचू बनने जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, आप सुनकर ताजुब हो जाइएगा, दिल पर हाथ रख लीजिए, ये जो राम स्टैचू बनने जा रहा है ये दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ डालेगा, यहाँ तक कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये बनने जा रहा है करीब 221 मीटर, आप समझ रहे हैं 221 मीटर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रख देगा और पूरा विश्व भर में राम नाम हर जगह छा जाएगा। तो ये है यूपी गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया, इसी पे हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टैचू क्या बनेगा, क्या है हाइट होगा, कैसे क्या बनेगा, किससे क्या होगा। अभी तक ये डेट डिसाइड नहीं हुआ है कब तक बनेगा, कितने दिन टाइम लगेगा, लेकिन इतना डिक्लेयर हो चुका है कि राम स्टैचू बनने जा रहा है, यूपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ ने डिक्लेयर कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, आप तक पहुंचाने के लिए विवेक सिंह हमेशा हाजिर होता है और आप तक नॉलेज पहुंचाते रहेगा जो भी अपडेट आपको पहुंचाना हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति बनने जा रही है ये ब्रॉन्ज स्टैचू होगी यानी कि कांस्य की बनने जा रही है, और इसकी ऊंचाई करीब होगी 221 मीटर, 221 मीटर होगी, जो कि श्री राम, लॉर्ड राम की ये मूर्ति होगी। और आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति बनेगी ये बनेगी टेम्पल टाउन और सरयू नदी के किनारे बनने जा रही है, सरयू रिवर के पास बनने जा रही है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर जिसका हाइट है उससे भी ज्यादा ऊंचा है ये बनने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर होगा ये 221 मीटर होगा, जो कि 221 मीटर ये तीन पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा 151 मीटर, 151 मीटर का, जो कि टोटली राम स्टैचू होगा यानी कि एक राम, श्री राम का मंदिर स्टैचू होगा वहां पे। और दूसरा पार्ट होगा 20 मीटर का, जो कि अम्ब्रेला होगा ओवरहेड, मतलब जो श्री राम होंगे उनके ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप का, जो कि 20 मीटर का होगा। और जो 50 मीटर होगा वो श्री राम की पादुकोण के पास रहेगा, मतलब जो उनके चरण स्पर्श करते हुए पेडेस्टल जिसको बोलते हैं वो 20 मीटर पेडेस्टल होगा। तो आपको मैं बता दूं कि पेडेस्टल जो होगा, जो कि श्री राम के जो पैरों के नीचे के पास का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें कुछ मंत्र और म्यूजियम वगैरह भी वहां पे होंगे, जो कि उसमें होगा अल्ट्रा मॉडर्न म्यूजियम होगा, जो कि हिस्ट्री को बताएगा, अयोध्या का हिस्ट्री का, मतलब क्या क्या श्री राम आए, कैसे गए, वो सारा हिस्ट्री वहां पे लिखा रहेगा, एक म्यूजियम टाइप होगा। फिर वहां जो डायनेस्टी, जो कि अयोध्या में डायनेस्टी था यानी कि इच्छावाकु डायनेस्टी, उसके बारे में बताया जाएगा। और राम जन्मभूमि यानी राम को लेकर कैसे क्या जन्म हुआ ये सब बताया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की अपडेट श्री राम मंदिर को लेकर। सो ऐसे ही सारे अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। और भी तब तक के लिए विवेक सिंह को धन्यवाद दीजिए और नमस्कार। दिस इज विवेक सिंह साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। Yeah.